हाय एवरीवन, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम जयपुर। मैं ये वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ, ये आज मेरे दिमाग में अचानक थॉट आ गया कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे लगते हैं दिल में कि उस चीज़ों के बारे में हम खुद ही अपने आप ही रख लेते हैं, उसको हम एक्सप्रेस नहीं करते। उस चीज़ों के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपने आप ही समझ लेते हैं, अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, पर इस चीज़ों को लोगों को तक ले जाने के लिए हमारे पास जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं आता कि कैसे लेके जाए, किस जरिए लेके जाए। तो मैं आज आपको इसी एक किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, जो शायद मैं आप तक लेके जाऊँ तो ये शायद आपके साथ ना हो बाद में। तो इसीलिए मैं ये चैनल ओपन किया था और कुछ बातें आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ कि कुछ आपके लाइफ से भी और आपके आसपास के जो लोग हैं भी जुड़े हुए उनसे भी शायद मिल सकते हैं और आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दुनिया में वो दोस्ती ये वगैरह रिश्तेदारी ये चीज़ें धीरे धीरे छूटती जा रही हैं हमसे। तो हमें उसके भरोसे रहे या किसी ऐसे भरोसे रहे कि जो अपने आप में मैं अपने पैरों में खड़ा रह सकूं। अगर मैं अपने पैरों में खड़ा रह सकूं ना, मुझे उनकी दोस्तों यारों की भी भरोसा करना की ज़रूरत है या रिश्तेदारों की भी भरोसे बैठने की ज़रूरत है नहीं। जो हम बैठे रहते हैं कि कोई बड़ा सा हमारे साथ हादसा हो जाए तो ये सब आके मुझे दिलासा देंगे और मुझे रक्षा करेंगे वगैरह वगैरह, ये होता नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम में फंसोगे तभी समझोगे कि मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ। तो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाओ ताकि तुम्हें कुछ किसी का भरोसे की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें अपने आप में वो कॉन्फिडेंस दिखे आईने में कि ये मेरे अंदर है, मेरे को तू नहीं चाहिए बेटा, तू खुश रहे, आबाद रहे, तू इधर मत आ, इधर मत देखियो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, मेरे पास दो हाथ है, दो पैर है और मेरा ये चलता फिरता दिमाग है जो मुझे सजेशन देता रहता है और इसके ऊपर मैं किसी दूसरे का दिमाग मैं लगाना नहीं चाहता। तो ये रहा मैं जो बातें बोलना चाहता हूँ, उसका थोड़ा बहुत जो मैं शुरुआत है वो मैं इसी वीडियो के साथ करना चाहता हूँ कि कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे दुनिया में जो तुम्हें बेकार बातें समझाएंगे कि तुम बेकार हो, दुनिया में कुछ नहीं कर सकोगे, जो तुम सीखे हो बेकार जगह जा रहे हो, बेकार ये सब पढ़ रहे हो, बेकार ये सब जगह में नौकरी कर रहे हो, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, मेरे बेटे को देखो, मेरे जमाई को देखो, मेरे बेटी को देखो, वो यहाँ पे गया है, ये गया है। अरे मेरे को मत समझा, ये सब उनको जाके समझा जो तेरे बेटी को फॉलो करते हैं, फेसबुक में 700 लाइक है, उनको जाके समझा, मेरे को मत समझा, क्योंकि ये मेरा लाइफ है, मेरे को पता है कि मेरे ये इसके साथ क्या करूं। एक चीज समझ लो कि जब तुमने उस डायरेक्शन को चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा। अगर सोचा नहीं, समझा नहीं, अभी भी टाइम है, अपने आप को बोलो और ठीक डायरेक्शन में जाओ। ये कैसे हो सकता है, ये कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ, उस चीज़ों को लगे अभी अगर तुम्हें लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं खराब सजेशन दे रहा हूँ तो एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो क्या करना क्या है, ये इन सारे लोगों के मुंह को बंद करने के लिए कि देखो भाई, तुम जन्मे हो तुम्हारे खुद के काबिलियत से, तुम्हारे पास कुछ यूनिकनेस जरूर होगा, क्योंकि कोई भी दुनिया में सब कोई इंजीनियर नहीं बन सकता यार, डॉक्टर भी कोई 100% बन नहीं सकता। तो तुम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम बेहतर हो, उन चीजों में फोकस करो और उसमें ही फोकस करो और आगे बढ़ो, उसको लेके उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसको कैसे पॉलिश करके साइन लाया जाए वो करो, उसके बाद देखो तुम कैसे दुनिया में निखर के आओगे। जब तुम दुनिया में निखर के आओगे ना, तब वो जो लोग तुम्हें बेकार है, तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वही आके बोलेंगे बेटा तू सही किया, तेरे को तू बहुत अच्छा काम किया, और वो तुम्हें आके नहीं बोलेंगे, वो अपने पड़ोसी को अपने रिश्तेदार को बोलेंगे, ये लड़का मेरे एरिया का है, ये लड़का मेरे एरिया का है, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसे सक्सेस मिला है इसको, मैं बहुत प्राउड, वो अपने आप में बोलेंगे और तुम्हें सक्सेस मिलता जाएगा। और एक चीज, जब तुम किसी राहों में जा रहे हो या तुम्हारे किसी रास्ते में कोई रुकावट आ रहा है, मतलब ये सारे लोग जो तुम्हें बाधाएं डाल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए सही है, मैं ये इसमें 100% दे सकता हूं और इसमें मैं सक्सेस करूंगा ही करूंगा, भाड़ में जाए वो लोग जो तुम्हें इस रास्ते का रोड़ा लग रहा है, उनको हटाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम अच्छे राहों में निकलोगे बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें टोटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
अरे उनके बारे में अगर सोचते रह जाओगे तो सारा जीवन सोचते ही रह जाओगे। उनके बारे में सोचना बंद करो, अपने लाइफ के बारे में सोचना चालू करो, आज से शुरू करो। कल तक तुम अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके हिसाब से चलो। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, अपना खाली एक दिमाग में ये लाओ कि मैं किस में बेस्ट हूँ, जो मुझे करने में अच्छा लगता है, जो करके मुझे दिन के एंड में मुझे संतुष्टि मिलती है, या हाँ ये करके मजा आ गया, वो राह चुनो। और अपने सुबह उठ के उसी राह में चलने के पहले आईने में अपने आप का शक्ल देखो और अपने आप को बेस्ट बोलो कि मैं इस काम में बेस्ट हूँ। वो बोलने से क्या हो जाता है कि अपने अपना जो माइंड है ना वो बेवकूफ है, उसको समझा दो कि मैं बेहतर हूँ इस काम में, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो जब तुम परफॉर्म करोगे उस लाइन में, वो बेहतर ही परफॉर्म करोगे तुम। अगर बेहतर आज परफॉर्म करोगे, कल परफॉर्म करोगे, परसों परफॉर्म करोगे, डेली तुम उसी लाइन में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देते जा रहे हो, तो क्या होगा, एक दिन उसमें तुम बेहतर बनोगे ही बनोगे, बनना ही है, कहीं नहीं जाने वाला ये सक्सेस। तो अपने आप को पहले एक राह दो कि किस राह में मुझे जाना है और किस में मैं अच्छा हूं, वो राह चुनो और उसी में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे की इन्वेस्टमेंट मत करो यार, टाइम की और अपनी समझ की और अकल की इन्वेस्ट करो कि कैसे उसमें मैं अपना आपको और अपने माइंड को और अपने दिमाग को और अपने बॉडी को उस काम में कैसे लगाऊं, और जब लगाऊं तो अच्छे से लगाऊं और अच्छे से करूं। ऐसा नहीं कि लगाने के बाद अगर कोई बोल रहा है कि तुम इसमें अच्छा नहीं हो, ये खामी आ रहा है, अरे थोड़े शुरुआत में थोड़े बहुत आती है, उसको मैनेज करना सीखोगे तभी ना आगे बढ़ोगे। वो लोग जब बोलेंगे उसको लेके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला यार, ये दुनिया में मैं क्या तुम्हारे हेल्प कोई नहीं करने वाला। हमेशा पॉजिटिव रहो, अगर राह चुना हो तो ऑलरेडी उसको पकड़ो और सुबह अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मैं आज बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला हूं इस एरिया में, बस निकल जाओ। और एंड ऑफ द डे में आके एक ही काम करना कि उस तुमने घर में आके क्या अच्छा किया है, पूरे दिन में, पूरे दिन ने तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। जो अच्छा हुआ है उसको एक साइड में रखो, क्या बुरा हुआ है उसको एक साइड में रखो। बुरे जो बुरा किया हो तुमने उसको तुम माइनस में डालो कि कल से ये मुझे नहीं करना है, और जो प्लस है उसको पकड़ के चलो कि इसी को मैं करूंगा। और जो माइनस करते जाओगे उसमें प्लस ऑलरेडी ऐड होता जाएगा। जब आज 5 है, कल 10 है, परसों 15 होगा, ऐसे करके एक ना एक दिन 100 में पहुंचना ही है यार। जब तुम 100 में पहुंच जाओगे तो तब उस लेवल में तुम ऑटो, तुमको पता ही नहीं चलेगा उस लेवल में तुम कब चले गए, जो नीचे वाले तुम्हारे तारीफ करने लगे। तारीफ के बारे में सोचना मत, उस लेवल में उस लेवल तक चलो। उस लेवल तक जाने के लिए जो सीढ़ी है वो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, और अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बनाओ। चीटिंग किसी के साथ नहीं करना है, अच्छे राहों पे चलो और अपने आप को खुद मोटिवेट करो, मजा आता है। बाय, सब्सक्राइब माय चैनल और क्लिक द रिंग बटन सो आई कैन गिव यू नेक्स्ट वीडियो। सो बाय।